बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक है। आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है हाथ के साथ हम बनाएंगे पोटे वाली सेवियाँ। और उसको किस तरह बनाया जाता है वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। इसके लिए मैंने एक पाव जो है ये मैं सूजी ली है और इसको मैं चार हिस्सों में तकसीम करूँगी, क्योंकि मुझे तीन कलर वाली और एक वाइट बनानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं इसमें एक जो कप है भर के इसमें डालती हूँ और साथ में ही रेड कलर जो है बस एक चुटकी इतना इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये मैंने इसके साथ चम्मच के साथ मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल, जैसे आटा गूंदते हैं ना उसको वैसे गूंदना है। इस तरफ इसमें मैंने एक डेढ़ घूम पानी डाला है, तो उसी से इसको मैं कर रही हूँ। जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदना, गर्म करते हैं पानी, अभी मैं नहीं ऐड करूंगी, बस ऐसे ऐसे करके ही जो पानी पहले डाला बस वही। थोड़ा सा पानी इसमें मैं और ऐड कर रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको करना है, एकदम से आपने इसको ज़्यादा पानी डाल के नहीं करना। अब ये फिर एक कप, और अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी एक कप से ज़्यादा डाल रही हूँ, और इसके अंदर डालेंगे इतने तकरीबन पिंच, ये इतना सा ही कलर, और इसी के साथ मैं इसको मिक्स करूंगी। जैसे हमने इसको पहले मैंने गूंदा है उसी तरह इसको भी इसी तरह गूंदना है। और जो वाइट है वो भी इस तरह गूंदा जाएगा। चार तरह का हमने आटा गूंदना है और चारों तरह इसी तरह गूंदा जाएगा। इसका तरीका कार यही है, पानी एकदम से आपने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही आपने पानी इसके अंदर ऐड करना है। अब ये भी गूंदा गया। फॉर एग्जाम्पल वैसे तो ये ठीक है, अगर आपसे कभी सख्त हो जाता है अपना टेंशन नहीं लेनी, जब आप इसको बनाएंगे तब अपने हाथ को हल्का सा पानी लगा लगा के अपने करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जब ये मैंने देख सकते हैं चारों कलर के जो आटे हैं मैंने गूंद लिए हैं और आपके सामने गूंदे, आपको पता भी चला मैंने किस तरह गूंदे हैं। और अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। और एक ही मैंने रुमाल लिया, इस तरह कोई सा भी आपके पास कपड़ा हो, रुमाल हो, ये गीला है बिल्कुल वेट है, इसके साथ इसके ऊपर इसकी ड्राइनेस ना आए, इसको इस तरह कवर करके आधे घंटे के लिए मैं रख दूंगी। और फिर आधे घंटे बाद आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर सिक्कड़ आ जाता है, सिक्कड़ नहीं आना चाहिए, तो इसलिए इसको कपड़े को इस तरह किया है। तो कवर करके अब मैं इसको आधे घंटे के रेस्ट पे रख दूँगी। जब इसको आधा घंटा हो चुका हुआ है तो अब इसको मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। इसमें से मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया, बाकी इसको कवर करके रख देना है क्योंकि इसके ऊपर सिकड़ नहीं आना चाहिए। और इस आटे को इस तरह पकड़ना है, तो इसको इतना करना है, और इसके जो अगला हिस्सा जो है उसको आपने ब्रीक करना है, बैक साइड नहीं, फ्रंट जो फ्रंट है वो आपने इसको इस तरह इस शेप में ले लेना है। तो फिर आपने अपने हाथ से, मैं आपको स्लोली बता रही हूँ, फिर आपने इसको आगे से इसको यूँ करते जाना है हल्का हल्का, और इस वाले पोर्शन से आपने यूँ करते जाना, देख रहे हैं बल आएंगे, इसको आपने ब्रीक करते जाना, ये देख रहे हैं इसको आपने ब्रीक करते जाने पीछे से, और जो इधर से है इसको आपने चलाते जाना। ये आप देख सकते हैं मैंने नीचे बनाई भी है। जोन से भी आपकी फिंगर चले उस फिंगर को आपने चला लेना है, ऊपर वाले चले या आपकी जोन से भी चलती है आप इसको, जैसे आप मेरी ये वाली भी चलती है, आप इससे भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको ऐसे करते जाना है और आपने साथ ही इसको थोड़ा थोड़ा लेके, ज़्यादा नहीं लेना, इतना इतना से लेके आपने इसको यूँ करते जाना है। इधर से भी थोड़ा सा आटा लेंगे और इसको थोड़ा कम कर लेती हूँ और इसको कवर कर देते हैं। हाथ के साथ इसको इस तरह आपने मसलना है, जैसे हम आटा नहीं प्रात में मसलते, क्योंकि इस तरह इसको मसलना आपने लाजमन है। मसलने से ये होगा कि ये नरम हो जाती है, उससे बहुत सॉफ्ट हो जाता है ना, फिर हमें ये बनाने में इजी रहता है। तो आप देख रहे हैं मैं अपने हाथ से इसको किस तरह मसल रही हूँ, इसी तरह आपने इसको मसलना ज़रूर है उसे बिल्कुल। अगर इसमें हल्का सा दाना होगा तो आपने पानी लगा के नहीं करना, आपने इसको अपने ये इस हथेली के साथ इसको मसलना है, इसके साथ ये हो जाए। जब मैं ये बना रही हूँ आप देख सकते हैं, तो आपने अब इसी तरह मैं सारी सेवियों को तैयार करती हूँ।
तो फिर मैं आपको वही ये सारी तैयार करके दिखाती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ, तो अब जब पूरी कंप्लीट होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ, तो मैंने किस तरह रुमाल के ऊपर फैलाई हुई है। तो आप इसी तरह इसको फैलाना रुमाल के ऊपर, कि अगर आप इसको एक नीचे बना दें जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो फिर ये सही नहीं बनेंगे। तो आपने इसको पूरे रुमाल पे थोड़े थोड़े करके जगह जगह पे, जब फिर जब ये ड्राई हो उसके ऊपर बना दें, इशू नहीं है। गीली के ऊपर आप डालते जाएंगे तो फिर जुड़ जाएंगे, तो ठीक नहीं रहेंगे। आपने पूरे रुमाल पे इसको इसी तरह फैला फैला के बनानी है, जब तक दूसरे के बनेगी वो सूख जाती हैं, तब तक इतना टाइम नहीं लगता इनको सूखने में ना, जल्दी सूख जाती हैं ये। जब ये बन चुकी है मैंने सारी बना ली है, और आप देख सकते हैं मेरे रुमाल के ऊपर डाली हुई थी, और मैं जैसे जैसे बनाती गई इस आगे आगे करती गई हूँ, और पंखा चल रहा था साथ ही ये ड्राई होती गई है और आगे आगे करती गई हूँ। इस तरह आपने मतलब आपने बनाना ये बता रही। दूसरा, जब हम आटा गूंथते हैं तो उसके अंदर एक ना दाना एक रहता है, और वो ख़त्म नहीं होता, तब ख़त्म होता है जब आप उसको अपने हाथ से मसलते हो ना बनाने से पहले। मैंने आपको बताया किस तरह मसलना है, तो फिर ख़त्म हो जाता है मसलने से। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपका पतला हो जाए थोड़ा सा सूजी और ऐड कर दें तो ठीक है, तो ये पड़ा पड़ा सॉफ्ट हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। अब थोड़ी सी इनको मैं और ड्राई करूँगी, ऐसे ही पड़ी रहेंगी, फिर मैं एक घंटा रखूँगी, फिर इसको प्लेट में या किसी डिब्बे में जार में इसके अंदर आपने रखनी है, आप इसको रख सकते हैं। जब ये सवैयाँ बिल्कुल रेडी हैं, अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।